नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे हल, जिसमें हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आज 10ों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टेंस पर। तो पहला टेंस है मुझे देखना है। मुझे देखना है, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें ना है, ना है वाला वर्ड आ जाता है, तो उसमें हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के स्थान पर। ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए मुझे का हो जाएगा आई और फिर हैव टू, देखना का होता है सी, तो इसलिए आई हैव टू सी, मुझे देखना है यानी आई हैव टू सी। जब भी ना है वाला वर्ड आए उसमें हैव टू हैज टू उसका सहायक क्रिया लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर। उसे बताना पड़ा, उसे बताना पड़ा, जब भी पड़ा सिर्फ पड़ा आ गया यहाँ पर देखिए, तो ये पास्ट में चला गया, ना है ना गा है, कुछ नहीं है, सिर्फ पड़ा, मुझे या उसे बताना पड़ा, ये है ना, उसे बताना पड़ा, तो इसमें लगेगा हैड टू, क्योंकि ये पास्ट में है। पास्ट वाले वाक्यों में पड़ा, खड़ा, इस तरह के वाक्यों में हमेशा हैड टू का प्रयोग करते हैं। पड़ा वाले वाक्यों में हैड टू का प्रयोग करते हैं, या फिर अगर आ जाए ना था यानी जाना था आ जाए, वाक्यों में ना और था साथ है तो उसके स्थान पर हैड टू का प्रयोग होता है, हैड टू, ठीक है, ना था और ना है अगर रहे, ना है तो हैज टू या हैव टू, लेकिन ना था रहे तो उसके साथ हैड टू का प्रयोग होता है। तो ही हैड टू टेल, उसे बताना पड़ा, पड़ा भी रहेगा तब भी हैड टू का प्रयोग होगा, ही हैड टू टेल, और टेल मैंने होता है बताना, तो टेल का टेल ही होगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर। राम को खेलना पड़ेगा, अब पड़ेगा आ जाएगा, पड़ेगा वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, विल हैव टू लगाते हैं या शैल हैव टू लगाते हैं, तो कर्ता के अनुसार हम लोग लगाएंगे विल हैव टू, तो राम है यहाँ पर, तो देखिए ऐसे वाक्यों में हमेशा विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग होगा, तो राम के साथ विल लगेगा, इसलिए राम विल हैव टू, खेलना का होता है प्ले, PLAY, तो राम विल हैव टू प्ले हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तब, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, तो इसमें भी पड़ेगी आ गया, पड़ेगी पड़ेगा, ऐसे वर्ड में हमेशा हम लोग विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार विल लगाएंगे या फिर इसमें शैल भी लग सकता है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसमें शैल के स्थान पर शैल ही प्रयोग करेंगे और विल के स्थान पर विल ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए उसे का होता है ही, तो ही के साथ विल लगाएंगे, विल हैव टू, ये साथ साथ लगेगा, अगर निगेटिव रहता तो यहाँ पर नॉट लगता बीच में, लेकिन निगेटिव नहीं है इसलिए ही विल हैव टू मेरी बात माननी पड़ेगी, इसका होता है फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेरी बात माननी पड़ेगी, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे तुम भी करो, वही कह रहा है, ठीक है, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, ही विल हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं, 5 नंबर। मुझे जाना चाहिए था, देखिए चाहिए था वाला वर्ड मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए, मॉडल वर्ब में चाहिए था का पूरा समझाया हूँ, ठीक है। तो चाहिए था में हम लोग देखे थे कि शुड हैव लगता था, SHOULD, शुड हैव, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर नीड लगाएंगे, नीड से लगाएंगे इसको, वैसे तो हम शुड हैव से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ नया जाने, कुछ और भी जाने कि और भी कैसे कैसे ये लग सकता है, कई तरीके होते हैं एक टेंस के। तो देखिए मुझे जाना चाहिए था, सही से देखिए तो नीड का जरूरत हमेशा जरूरत किसी जरूरत के लिए ही होता है या आवश्यकता के लिए, नीड का आवश्यकता होता है, नीड कहाँ लगता है, जहाँ कुछ चीज़ की आवश्यकता के बारे में हो, मतलब वो भाव कुछ आवश्यकता को दर्शा रहा हो। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे जाना चाहिए था, यानी ये कह सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना आवश्यक था, मुझे वहाँ जाना जरूरी था, यह अभी तो कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह भाव से अगर लगाएं तो लगाएंगे आई नीडेड टू गो। नीडेड क्यों लगा है, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट में लग रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो NEED जो होता है यह एक वर्ब का काम करता है, फर्स्ट वर्ब का, तो इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म नीडेड हो जाएगा, नीड का नीडेड हो जाएगा,
और ये गो जो है ये सेकंड वर्ब है, सेकंड क्रिया है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आई नीडेड टू गो हो जाएगा। नीड का प्रयोग हम लोग वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे लेट का प्रयोग आप लोग करते हैं वैसे ही नीड का प्रयोग भी करते हैं, या फिर जैसे कजेटिव वर्ब में आप लोग मेक का प्रयोग करते थे या फिर गेट का, वैसे ही नीड का प्रयोग भी होता है। तो आई और नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड टू गो, टू गो, जाना का गो। अगर हम शुड हैव से लगाएं तो इसका हो जाएगा आई शुड हैव, शुड हैव। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म जी ओ एन ई, गॉन, आई शुड हैव गॉन। यहाँ पर देखिए आई तो करता है और शुड हैव एक क्रिया है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और गो जो है ये है वर्ब, तो जो मेन वर्ब होता है शुड हैव में ये गो हो जाता है, इसलिए गो में थर्ड फॉर्म लग जाता है हैव के साथ, गॉन हो जाता है। लेकिन नीड वाले में नीड ही हो जाता है मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब में नीड ही हो गया तो नीड में ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब उसी में लगेगा, और सेकंड क्रिया जो होती है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर यही समझना है कि नीड जो है क्या वो क्रिया के रूप में कार्य करता है कि सहायक क्रिया के रूप में, तो यहाँ पर नीड जो है क्रिया के रूप में कार्य करता है, यानी वर्ब के रूप में कार्य करता है, वो भी फर्स्ट वर्ब, और सेकंड वर्ब उसी का उसी तरह लिखा जाता है, और इसमें सेकंड फॉर्म लग गया है आई नीडेड टू गो। जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम खेला करते थे, यहाँ पे ते थे ता थे वाले वर्ड में हम बताए थे यूज्ड टू आता है। देखिए यूज्ड टू, यूज भी एक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं हम लोग। यूज को वैसे तो यू एस ई होता है, यूज, यूज टू होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्रिया के रूप में कार्य करते हैं, इसका क्रिया के रूप में लगाते हैं टेंस में, तो ये क्या होता है सेकंड फॉर्म लग जाता है, क्योंकि था है तो ये पास्ट में है, तो पास्ट का इंडिफरेंट हो जाता है ये, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आया ही नहीं है, नहीं अगर आता तो इसमें डिड लगता, तो डिड कैसे लगेगा, इसमें तो सिंपल है ना, अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म लगता है। तो चूंकि हम माने हैं कि यूज हमारा क्रिया है, मेन वर्ब है, इसलिए वी यूज में सेकंड फॉर्म, यूज्ड टू प्ले हमारा सेकंड वर्ब हो गया, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वी यूज्ड टू प्ले, ये हमारा सही हो जाएगा, वी यूज्ड टू प्ले। अगर यहाँ पर निगेटिव नहीं दे देता तब तो यहाँ पर डिड लगाते, वी डिड नॉट, उसके बाद यूज लगाते, सिर्फ यूज, डिड नॉट के बाद डिड नॉट, यूज सिर्फ लगाते, यू एस ई, यूज टू, यहाँ पर ई डी हट जाता क्योंकि यह चला गया पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव में, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है क्रिया का, तो इसलिए क्रिया जबकि यूज है इसलिए यूज का यूज ही लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया ही नहीं है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ पर यूज टू प्ले, वी यूज टू प्ले हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब सात नंबर देखते हैं। लोग मुझे कभी बुलाते हैं, लोग मुझे कभी बुलाते थे, सॉरी थे हैं यहाँ पे, लोग मुझे कभी बुलाते थे, तो यहाँ पर देखिए ता थे ते थे यहाँ पर भी आ गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी यूज्ड का प्रयोग होगा, कैसे होगा, लोग को हो जाएगा पीपुल, पीपुल के बाद हम लोग मेन क्रिया लगाएंगे, मेन क्रिया हम लोग माने हैं यूज, क्योंकि यूज में सेकंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव टेंस है ये, तो पीपुल यूज टू, उसके बाद बुलाते, बुलाना हम लोग का सेकंड क्या कहते हैं सेकंड वर्ब कह सकते हैं इसको, सेकंड वर्ब, तो यूज टू कॉल मी पोएट, पीपुल यूज टू कॉल मी पोएट, लोग मुझे बुलाते थे, पीपुल यूज टू कॉल मी क्या बुलाते थे कवि, यानी पोएट लास्ट में हो जाएगा, पीपुल यूज टू कॉल मी पोएट, यहाँ इस तरह लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर पूछिए कमेंट करके। आगे देखते हैं आठ नंबर, क्या तुम जा पाए, यहाँ पर देखिए पाए सका के लिए कुड लगता है, पाए और सका आ जाए ऐसे वर्ड जिसमें पाए सका, तो ऐसे वाक्यों में सी ओ यू एल डी लगा दीजिए बिना सोचे समझे, सी ओ यू एल डी एकदम करेक्ट होगा। तो क्या तुम जा पाए, तो कुड यू गो, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव इसलिए सहायक क्रिया पहले आया है, उसके बाद करता है यू, उसके बाद जा पाए यानी गो, तो कुड यू गो, ठीक है। नौ नंबर देखते हैं, क्या तुम यहाँ सो पाओगे, अब पाओगे एक नया वर्ड आया है आपके लिए, पाओगे जो अब आता है, पाओगे, खाओगे, नहाओगे, सोओगे, ऐसे वाक्यों में हम लोग लगाते हैं सहायक क्रिया विल बी एबल टू, याद रखिएगा विल बी एबल टू थोड़ा बड़ा है, विल बी ए बी एल ई एबल टू, ये सहायक क्रिया के रूप में लगता है,
ठीक है, जब भी कैसे वाक्य आए जिसमें पाओगे, खाओगे, आओगे, जाओगे, ऐसे वाक्य आए उसमें क्या होता है कि विल बी एबल टू का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, तो इसलिए इसमें भी उसी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग का कर्ता देखते हैं, कर्ता है तुम के साथ विल लगेगा, विल के बाद कर्ता यू, उसके बाद बी एबल टू विल यू बी एबल टू, उसके बाद सो पाओगे तो स्लीप, कहाँ सो पाओगे, यहाँ यानी हियर, विल यू बी एबल टू स्लीप हियर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर पूछिए कमेंट करके। आगे देखते हैं 10 नंबर, हम कभी नहीं भुला सके, सका या पाया, हमेशा कुड लगाना है तो इसमें कुड लगाएंगे, तो शायद पहले तो हम लोग करता देखते हैं क्या है, हम का स्पेलिंग डब्ल्यू ई वी मीन्स हम लोग, या हम भी कह सकते हैं, तो वी के बाद सहायक क्रिया कुड, कभी नहीं भूला सके, कभी नहीं का होता है नेवर, तो वी कुड नेवर, भूलना का होता है फॉरगेट, तो फॉरगेट लग जाएगा, या forgetting, जो मीनिंग आपको नहीं याद हो उसको आप लोग कॉपी पे नोट जरूर कीजिए और याद करिए उसको, तो इसका हो जाएगा वी कुड नेवर फॉरगेट। ठीक है, चलिए देखते रहिए कविंदर भैया चैनल, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग तुरंत कमेंट में कमेंट करिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन फंसा हो टेंस का या फिर कजेटी वर्ब का तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका समाधान तुरंत आपको मिलेगा। धन्यवाद।